फ्रांस के सख्त तेवर से पाकिस्तान की कैसे बढ़ने वाली है परेशानी, चीन की मनमानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और जापान कैसे आए एक साथ, और ग्रीस में लॉकडाउन के खिलाफ कैसे फूटा लोगों का गुस्सा। इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दुनिया। आतंकवाद को लेकर फ्रांस के कड़े तेवर से पाकिस्तान पर बड़ी गाज गिर सकती है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये से यूरोपियन यूनियन चिंतित है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान और तुर्की को फटकार लगाई है। फ्रांस ने पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग की है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों सरकार के ग्लोबल सिक्योरिटी बिल का विरोध शुरू हो गया है। पेरिस में हजारों की तादाद में लोग इस बिल का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। फ्रेंच नेशनल असेंबली के बाहर जुटे लोगों ने इस बिल का विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए रक्षा संधि की है। इस रक्षा समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी। साथ ही समंदर में दोनों देश चीन की मनमानी को चुनौती देंगे। थाईलैंड में संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यहां हुई झड़प में 5 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ग्रीस में लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। ये प्रदर्शनकारी 1973 के छात्र आंदोलन की याद में सड़क पर उतरे थे। कोरोना संकट के कारण इन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने ट्रंप खेमे को चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रबंधन ट्रांजिशन टीम के साथ सहयोग नहीं करता है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चुनाव के बाद बाइडेन ने पहली बार सख्त तेवर दिखाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि अगर जो बाइडेन औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से सत्ता का हस्तांतरण प्रोफेशनल तरीके से किया जाएगा। अमेरिका के जॉर्जिया में जो बाइडेन की जीत का मार्जिन और घट गया है। जॉर्जिया में 2600 ऐसे बैलेट मिले हैं जिसकी काउंटिंग नहीं हुई थी। हालांकि इन बैलेट की गिनती के बाद भी नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई मेडिकल संस्थानों ने राष्ट्रपति ट्रंप से कोरोना से जुड़े डेटा को चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शेयर करने की मांग की है। इन संस्थानों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ सही रणनीति बनाने के लिए जरूरी है कि बाइडेन की टीम को भी डेटा की जानकारी हो। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।